नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगल सफारी। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लायन और सिल्वर बैक गोरिल्ला की। गोरिल्ला की कई स्पीशीज होती हैं जो कि मेनली ईस्टर्न और वेस्टर्न गोरिल्ला में डिवाइडेड हैं। इनमें सबसे बड़ा ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला है। कंपैरिजन के लिए हम लोग लेंगे मेल अफ्रीकन लायन और मेल ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज और वेट की। दोस्तों मेल अफ्रीकन लायन का एवरेज वजन 190 केजी के अराउंड होता है, विथ लार्जेस्ट नोन स्पेसिमेन वेइंग अप टू 250 केजी। इसका लेंथ होता है 9 से 10 फीट के बीच फ्रॉम हेड टू टेल। शोल्डर हाइट लगभग 4 फीट तक होता है। वहीं मेल ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का एवरेज वजन 210 केजी के अराउंड होता है। गोरिल्ला अगर दो पैरों पर खड़ा हो जाए तो इसकी हाइट 6 फीट के करीब जा सकती है। तो जहां गोरिल्ला एवरेज वजन में थोड़ा आगे है लायन से, वहीं लायन का लेंथ थोड़ा बड़ा है गोरिल्ला के मुकाबले, हालांकि शोल्डर हाइट कम है। कुल मिला के लायन और गोरिल्ला को बराबर अंक देना चाहूंगा मैं साइज और वेट के मामले में। अब बात कर लेते हैं बाइट फोर्स की। दोस्तों लायन का बाइट फोर्स केवल 650 PSI है। कई लोग इस फिगर को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बात यही है कि लायंस जनरली ग्रुप में हंट करते हैं, इसलिए नेचर ने उन्हें ज़्यादा बाइट फोर्स देने की आवश्यकता ही नहीं समझी। वहीं गोरिल्ला का बाइट फोर्स 1300 PSI है, लायन से लगभग 2 गुना ज़्यादा। इसका कारण है गोरिल्ला एक शाकाहारी जानवर है और इसे खाने के लिए पेड़ की छाल, जड़, लता, बांस आदि को चीरना फाड़ना पड़ता है, जिसके लिए मजबूत दांतों की आवश्यकता होती है। ओवरऑल बाइट फोर्स के मामले में गोरिल्ला इज द किंग। बात कर लेते हैं स्पीड और एजिलिटी की। दोस्तों लायन 80 किलोमीटर पर आवर की जबरदस्त स्पीड से दौड़ सकता है, वहीं गोरिल्ला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। जहां तक एजिलिटी यानी कि फुर्ती का सवाल है तो गोरिल्ला इन जनरल लायन से कम फुर्तीला है, हालांकि एग्रेसिव और गुस्सा होने पे ये ताबड़तोड़ वार कर सकता है। कुल मिला के लायन स्पीड और एजिलिटी के मामले में आगे है। अब बढ़ते हैं फाइटिंग राउंड्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1-on-1 फाइटिंग की। दोस्तों गोरिल्ला अगर बेंच प्रेस करे तो ये 1810 केजी तक उठा सकता है, जो कि एक कार के वजन के बराबर है। वाकई लाजवाब है। इन 1-on-1 फाइट अगर लायन गोरिल्ला को घात लगाकर वार करता है तो उसके लिए गोरिल्ला की मोटी गर्दन को एक बार में भेद पाना मुश्किल होगा, और शायद जब तक लायन अपने दांत धंसा पाए गोरिल्ला गुस्से और एग्रेशन में लायन को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लेगा और धोबी पचाड़ वाली उठा पटक मार देगा, जिससे लायन की हड्डी पसली एक हो जाएगी और जान भी जा सकती है। तो 1-on-1 मुकाबले में मैं कहूँगा कि लायन हैज लिटिल चांस अगेंस्ट द गोरिल्ला। अब बात कर लेते हैं प्राइड ऑफ लायन वर्सेस गोरिल्ला की। दोस्तों लायंस का असली स्ट्रेंथ उनकी यूनिटी है। प्राइड में कोऑर्डिनेट कर एक जानवर को घेर कर उसे का शिकार करके उसे कैसे धराशायी करना है, इसमें लायन को महारत हासिल है। एज यूजुअल अगर एक अकेला गोरिल्ला लायंस के बीच पड़ गया तो लायंस उसके आगे पीछे अटैक करके ढेर सारे माइक्रो कट्स डाल देंगे उसके शरीर पर, जिससे गोरिल्ला कमजोर पड़ जाएगा, कुछ ही देर में थक जाएगा और फिर लायंस उसे दबोच लेंगे और काम तमाम कर देंगे। सो इन अ प्राइड द गोरिल्ला स्टैंड्स लिटिल चांस अगेंस्ट द लायन। तो दोस्तों ओवरऑल आप देख सकते हैं कि लायन और गोरिल्ला की लड़ाई में अल्टीमेट विनर कौन है, ये कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। दोस्तों ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला 2016 सेंसस के मुताबिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 3,800 इंडिविजुअल्स इन वाइल्ड। अगर आने वाले वर्षों में इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया तो शायद इन ग्रेट एप्स को हमारी फ्यूचर जनरेशन रियल लाइफ में कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों को नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति जागरूक करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।